नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन, आज पिज्जा सॉस बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 60 टमाटर लिए हैं, इन्हें हम उबाल लेंगे। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इनके छिलके उतरने लग गए, इस तरह से देख लो, छिलके उतरने लग गए। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इनके छिलके हटा लेंगे। ठंडे हो गए, अब इनके हम छिलके हटा लेंगे। इस तरह से सभी छिलके हटा लेंगे और इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया और छान लिया, ये हमारी टोमेटो प्यूरी बन गई है। अब पैन में सबसे पहले तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और लाइट ब्राउन होने तक सेकेंगे। ब्राउन हो गए, अब इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सभी मसाले डाल देंगे, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, बेसिल लीव्स, चीनी, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें टोमेटो केचप और नमक, और इसे मिक्स कर देंगे और गाढ़ा होने तक पकने देंगे। अभी गाढ़ा हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये हमारा पिज्जा सॉस बनके तैयार हो गया है, इसका यूज आगे के वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।